आप सभी को नमस्कार। आप सबको पता है कि पीछे जो हमारा आंदोलन चल रहा था देश की बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, सबने देखा भी था, आप सबने सपोर्ट भी किया था। तो वैसे ही हमें कल पता चला कि संजय सिंह ने UWW के साथ बातचीत करके, सेटिंग करके कुश्ती को बहाल करवा लिया है, अपने आप को अध्यक्ष बना लिया है। पहली चीज़ तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप IU ने इसको भंग कर दिया था, उसके बाद ये सरकार को अपने आप से ऊपर दिखा के नेशनल चैम्पियनशिप करवा रहा है पुणे में, उसके बाद ये इलेक्शन करवा रहा है स्टेटों में, उसके बाद ये फेडरेशन के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, जो कि भंग होने के बाद कोई भी फेडरेशन हो या कोई भी अधिकारी हो उस अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकते। उसके बाद ये अपने आप को सरकार से ऊपर समझ रहे हैं, और दबदबा ये इसलिए बनाना चाहते हैं रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर कि भाई जो बहन बेटियां डरी हुई हैं वो आगे ना आ जाए कभी, इसलिए वो फेडरेशन पे अपना कब्जा चाहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही ब्रजभूषण के लड़के को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है यूपी का, जो ब्रजभूषण खुद बोल रहा था कि मेरा और मेरे परिवार से कुश्ती में अब कोई भी नहीं आएगा। तीसरी चीज, सरकार ने हमारे से भी वादा किया था कि हम आप लोगों के साथ हैं, ब्रजभूषण और उसके घर के और उसके आसपास के लोग कोई भी रेसलिंग में नहीं आएगा। उसके बावजूद आप सब देख रहे हैं कैसे 21 तारीख को जब चुनाव हुआ था उसके बाद उन्होंने कैसी प्रक्रिया दी थी, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि वो एक सभ्य व्यक्ति की हैं या किसी गुंडे व्यक्ति की हैं। और तीसरी, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द कोई फैसला लें, और हम खिलाड़ी भी जो हमारे साथ संगठन, जितने भी संगठन हमारे साथ जुड़े थे, चाहे वो किसान संगठन हो, खाप पंचायतें हों, मजदूर संगठन, महिला संगठन, जितने भी संगठन हमारे साथ जुड़े थे, हम सब से बातचीत करके हम जल्द ही एक फैसला लेंगे। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए कि खिलाड़ियों को दोबारा से प्रोटेस्ट करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।